जय हिंद दोस्तों, माफ करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आदर्शवाद और यथार्थवाद के बारे में हम इसकी विशेषता जानेंगे, इसके अर्थ और इसकी परिभाषा को समझेंगे। बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम सर पे खड़ा है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि आदर्शवाद का मतलब क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आदर्शवाद का मतलब क्या होता है। आदर्शवाद का आधार अध्यात्मक है। अध्यात्मक का मतलब आपकी स्पिरिचुअल से, आपकी आत्मा से, आपके और भगवान के संबंध से। तो आदर्शवाद का आधार अध्यात्मक है। आदर्शवाद मूलभूत रूप से शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों को स्वीकार करता है। आदर्शवाद शाश्वत का मतलब वह चीज़ें जो सदैव रहने वाली चीज़ें हैं उसको मानता है आदर्शवाद। और इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। आदर्शवाद ये मानता है कि भौतिक जगत की वस्तु, चाहे इंसान का शरीर हो, उसका घर, गृह, पैसा, खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें मर मिटने वाली, खत्म होने वाली चीज है। एकमात्र कोई चीज अगर शाश्वत है, हमेशा हमेशा रहने वाली है, तो वो है इस विचारधारा के अनुसार आत्मा, परमात्मा और विचार ही शाश्वत है। खत्म हो गया आदर्शवाद। आदर्शवाद का बस यही कहना है कि आत्मा, परमात्मा और विचार, आपकी आत्मा, आपका मन और आप और भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यही शाश्वत है, यही हमेशा हमेशा रहने वाला है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं इस संसार की भौतिक रूप में पाई जाने वाली हर एक चीज़ खत्म हो जाने वाली है। और यही आदर्शवाद का मूल सिद्धांत है, यही आदर्शवाद का अर्थ है और यही आदर्शवाद की जड़ है। समझ में आ गई दोस्तों। आदर्शवाद किसको मानता है? इस विचारधारा के अनुसार आत्मा, परमात्मा और विचार ही शाश्वत है। इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। भौतिक जगत की कोई भी वस्तु का कोई मोल नहीं है। ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई आदर्शवाद की। और इसी के साथ हम यथार्थवाद को देख लेते हैं। यथार्थवाद बिल्कुल विपरीत है आपके आदर्शवाद से। यथार्थवाद का क्या तात्पर्य है भाई? यथार्थवाद उस विचारधारा से है जो वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है। यथार्थवाद मानती है कि जो भी चीज़ें भौतिक जगत में हैं, हमारी दुनिया में है, वही सत्य है। वो आत्मा परमात्मा को मानती ही नहीं। तो यथार्थवाद भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसका हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अनुभव कर सकें। जैसे कि पशु, पक्षी, मानव, जल, थल, आकाश इत्यादि सभी वस्तुओं को हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, इसलिए ये सभी सत्य है। यथार्थवाद मानता है कि मनुष्य, जल, पक्षी, पशु, यही सत्य है, आत्मा परमात्मा का कोई मतलब नहीं, यथार्थवाद मानता है। आगे देखिए, यथार्थवाद जैसा यह संसार है वैसा ही सामान्यता स्वीकार करता है। मतलब जो भी इस दुनिया में वही है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, ये यथार्थवाद का मानना है। अब आइए बात करते हैं। यथार्थवाद यद्यपि आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा है, क्योंकि आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत है ये, किंतु यह बहुत कुछ प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के समानता रखती हैं। तो जब प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद देखेंगे तब उसको देखेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि ये अब यथार्थवाद आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आदर्शवाद में भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को, विचारों को ही शाश्वत माना गया है। आत्मा, परमात्मा, विचार को ही सत्य माना गया है, जबकि यथार्थवाद में भौतिक जगत की वस्तुओं, पशु, पक्षी, मानव, जल, थल, आकाश इत्यादि को सत्य माना गया है। समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। शाब्दिक अर्थ देखिए, लिटरल मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आदर्शवाद को अंग्रेजी में कहते हैं आइडियलिज्म, ठीक है। तो आइडियलिज्म देखिए, आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का रूपांतरण है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? आइडिया प्लस इज्म। आइडिया शब्द का अर्थ होता है विचार और इज्म का होता है अर्थ। इस प्रकार आइडियलिज्म को हम विचारवाद भी कहते हैं। समझ में आ गई? इसकी शाब्दिक अर्थ ये है कि आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, और आइडियलिज्म दो शब्द से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म, और आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद। इस प्रकार आइडियलिज्म को हम विचारवाद भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आइडिया शब्द के में उच्चारण में सुविधा में एल अक्षर जोड़ देने से आइडियलिज्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है आदर्शवाद। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको छोड़िए, हटाइए, ठीक है। आदर्शवाद को विचारवाद भी कहते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ यही हो गया कि आइडियलिज्म दो शब्द से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। अब यथार्थवाद की शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? ये अंग्रेजी के शब्द रियलिज्म का रूपांतरण है, इसको इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो रियलिज्म का वर्ड रियल ग्रीक शब्द के, ग्रीक भाषा के रीस शब्द से बना है, रीस शब्द से, जिसका अर्थ होता है वस्तु,
ठीक है। तो रियलिज्म किससे बना है भाई, रीस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वस्तु। अतः रियल का अर्थ होता है वस्तु संबंधित। यही कारण है कि रियलिज्म यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व से संबंधित होता है। समझ में आ रही है बात। तो आइडियलिज्म आदर्शवाद आइडिया प्लस इज्म से बना है, और ये रियलिज्म रियल प्लस इज से बना है। तो रीज का मतलब होता है वस्तु, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको वस्तु पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वास्तविक चीज़ों पे, भौतिक चीज़ों पे ये सत्य मानती है। बात खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार फिर से दोहरा दूँ, यथार्थवाद में क्या चीज़ें मानती हैं सत्य, पशु पक्षी मन जल जीव, ये सारी चीज़ें सत्य हैं यथार्थवाद के अनुसार। इसके अंदर आत्मा परमात्मा भगवान स्वर्ग नर्क का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और आदर्शवाद इसी चीज़ को सत्य मानती है कि आत्मा परमात्मा और विचार यही शाश्वत है। समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। अब आइए जल्दी से फटाफट एक दो परिभाषा देखेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यथार्थवाद जो कि भौतिक जगत को सत्य मानती है, उसके बारे में रास महोदय ने क्या कहा, यथार्थवाद यह मानता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलते जुलते वस्तुओं का यथार्थ जगत है, यही यथार्थ जगत है, यही सत्य है रास महोदय के अनुसार। और स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसे ही मानता है जैसे हमें दिखाई पड़ता है, अर्थात संसार केवल एक प्रपंच मात्र है। तो स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में क्या कहा कि यथार्थवाद एक उस अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसे ही मानता है जैसे हमें दिखाई देता है। तो ये हो गई दोस्तों यथार्थवाद की परिभाषा। देखिए आपके बुक्स में बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, आप उसको देख लीजिए, लेकिन जो आसान है वो मैं दो आपके लिए लेके आऊँगी। देखिए परिभाषा तो हर जगह सेम होगी, उसमें कोई समझने वाली बात और बदलने वाली बात नहीं है। आदर्शवाद की परिभाषा में हैंडरसन ने कहा, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे आपने आदर्शवाद का परिभाषा देख लिया कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। अब आइए एक और परिभाषा देख लेंगे। रोजन ने क्या कहा था, आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी वृद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, वृद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, आदर्शवाद का ये विश्वास था। तो ये दो डेफिनेशन हो गए आदर्शवाद की, और दो डेफिनेशन हो गए यथार्थवाद की। डेफिनेशन स्वयं के आप अपने बुक से जो भी अच्छा लगे आप उसको देख सकते हैं। मेन चीज़ क्या है इसमें, जो मुख्य चीज़ है, जो मेरे वीडियो की विशेषता है वो यहाँ पे है। अब देखिए, अब आपसे पूछता है आदर्शवाद के शिक्षा की विशेषताएं बताइए, आदर्शवाद के शिक्षा का महत्व बताइए, या केवल आदर्शवाद की प्रकृति पूछता है, महत्व पूछता है, विशेषता पूछता है, कुछ भी पूछता है। आदर्शवाद के लिए आप अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए, आपके जो भी एक धर्म गुरु हैं उनकी चित्र बनाइए आदर्शवाद में, और यथार्थवाद में कोई भी दुनियावी बिजनेसमैन के बनाइए। तो ज़रा सोचिए कि अगर आदर्शवाद जो कि भगवान परमात्मा आत्मा को ही सब कुछ मानता है उसकी शिक्षा होगी तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी, क्या ये मानेंगे आप कि आध्यात्मिक का विकास होगा, मतलब आध्यात्मिक आपकी स्पिरिचुअल पावर को डेवलपमेंट किया जाएगा। और उसकी विशेषता यह है कि आदर्शवादी शासन मूल्य में धर्म और आदर्श के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होगा, आपको इस बात को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब धर्म की बात होगी, जब ईश्वर को सत्य माना जाएगा तो उसमें धार्मिक शिक्षा पे जोर दिया जाएगा और धार्मिक संस्थाओं को महत्व दिया जाएगा, और जीव पवित्र जीवन की प्राप्ति ही इसका सिद्धांत होगा, इसकी विशेषता होगी, इसकी प्रकृति, इसका महत्व होगा, और सत्य की खोज और ईश्वर की प्राप्ति, इसके अलावा लिखिए मोक्ष की प्राप्ति, इसके अलावा लिखिए स्वर्ग की प्राप्ति, इसके अलावा लिखिए भगवान की प्राप्ति। कहने का मतलब है जब बात आदर्शवाद शिक्षा की हो, देखिए आदर्शवाद शिक्षा की हो तो इसमें आपको क्या लिखना है, आपके पास अगर विशेषता पूछता है, महत्व पूछता है, सिद्धांत पूछता है, तो इन्हीं बिंदुओं से आपको उत्तर बताना है। क्या आध्यात्मिक विकास, आपके मन का विकास, आपके और ईश्वर के संबंध का विकास, धर्म आदर्श के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्थाओं का महत्व, पवित्र जीवन की प्राप्ति, सत्य की खोज, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति,
और स्वर्ग की प्राप्ति, यही सारी चीज़ें आदर्शवाद के अंदर। अब चाहे इसकी विशेषता कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, महत्व कह लीजिए, शिक्षा के उद्देश्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आपको इसमें से बना के लिखना है। और अगर बात यथार्थवाद की करें, यथार्थवाद कौन, यथार्थवाद जो पूरी दुनिया को ही सत्य मानती है, और जब दुनिया को सत्य मानेगी तो वो उदार शिक्षा, मतलब उदार शिक्षा, दुनियावी शिक्षा की बात करेगी और विस्तृत एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाएगी। आदर्शवाद धर्म और आदर्श के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया, और यथार्थवाद में विस्तृत एवं व्यवहार के पक्ष में पाठ्यक्रम बनेगा। वैज्ञानिक शिक्षा की बात होगी, व्यवसायिक शिक्षा की बात होगी, सामाजिक संस्थाओं को महत्व दिया जाएगा, जबकि इसमें धार्मिक संस्थाओं को महत्व दिया गया। वास्तविक शिक्षा की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यांत्रिकी शिक्षा की बात होगी, टेक्नोलॉजी शिक्षा की बात होगी, और जीवन से जुड़े हुए चीज़ों की बात होगी, शिक्षा जीवन की पूर्णता की बात होगी। समझ में आ गई? यथार्थवाद में आपके जो भी मान लीजिए किसी को भी, व्यापारी, इंजीनियर, वकील, किसी की भी आप एग्जांपल लीजिए और उसकी एजुकेशन पैटर्न को यहाँ पे छाप दीजिए। इसमें क्या बात हुई भाई? व्यवहार की बात हुई, विज्ञान की बात हुई, व्यवसाय की बात हुई, समाज की बात हुई, ठीक है, और तकनीक की बात हुई, जीवन की बात हुई। और जबकि आदर्शवाद में किसकी बात हुई? आदर्शवाद में आत्मा की बात हुई, आदर्श की बात हुई, धर्म की बात हुई, धार्मिक संस्थाओं की बात हुई, पवित्र जीवन, सत्य। कहने का मतलब है ये धार्मिक चीज़ें हैं, ये धार्मिक चीज़ें धर्म को मानने वाली है, अधार्मिक चीज़ें ये केवल संसार को मानने वाली। अब पॉइंट छूट रहा था, या आदर्शवाद हो या यथार्थवाद हो, अगर शिक्षण विधि की बात करें तो सबकी शिक्षण विधि लगभग सेम है। हर एक शिक्षण विधि में आप ये लिखिए, आगमन और निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, निर्देश विधि, खेल विधि, अभ्यास विधि, इन ये चारों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबके लिए कॉमन है। क्या? प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, खेल विधि, ये सारी चीज़ें, अभ्यास विधि, निर्देश विधि। तो अगर विधि की बात करता है, शिक्षण विधि की बात करता है, तो आप इन बिंदुओं को लिखिए। अब प्रश्नोत्तर विधि में क्या है? एक दूसरे से प्रश्न पूछ के, इसको सुकरात जी ने बताया था, और तर्क विधि को हीगल ने दिया था, और निर्देश विधि का निर्देश के द्वारा प्रयोग किया जाता है, खेल विधि मतलब खेल शिक्षा पर बल दिया जाता है, अभ्यास विधि मतलब करके सीखने पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो आगमन और निगमन, आगमन का मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब आसान से मुश्किल की ओर, और निगमन का मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर, मुश्किल से आसान की ओर। तो अगर कोई भी शिक्षण विधि पूछे, यथार्थवाद या फिर आदर्शवाद में, तो आप इन पॉइंट्स को आप बना के लिखिए, ठीक है। अब चाहे जो भी पूछे, आप समझ गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिए। अब तारीफ आपकी है, क्वालिटी आपकी है कि आप इसमें से कैसे अपने उत्तर को बना के लिख के आते हैं। कहने का मूल सारांश यही है कि ये भगवान, ईश्वर, परमात्मा विचारों को मानती है, और ये सांसारिक जीवन को मानती है, संसार को ही सत्य मानती है। हमारा और आपका साथ इस टॉपिक पे यही ख़त्म होता है। उम्मीद है चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आप प्लीज़, आप इस चीज़ों को समझ गए हैं तो लिख कर आना है, टॉपिक बस ध्यान में रहे, अंदर तो आपके अपने विचार, अपने विवेक, अपने बुद्धि से लिखना है, ओके। जरूर 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 लिख के आइएगा, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो, जानकारी कैसी लगी, क्या आपको कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुआ, क्या आपको टेंशन आपकी ख़त्म हुई कि चलो ये कॉन्सेप्ट तैयार है भाई, तैयार है, लिख कर आना है, समझ गए, लिख के आइए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में बताइए कैसी लगी जानकारी।